What is up, everybody? I'm Bilal, and you're watching me on Reaction TV. गाइस मैं आज भारत के ट्रेलर पर रिएक्ट करने वाला हूँ. सलमान खान, दिशा पत्नी, कटरीना कैफ और सुनील ग्रोवर की आने वाली फिल्म है. सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन. एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया 70 साल पहले ये देश बना और उसी वक्त शुरू हुई मेरी कहानी. लोगों को लगता है कि एक मिडिल क्लास बूढ़े की लाइफ कितनी बोरिंग रही होगी. यार ये तो बादशाही मस्जिद नहीं है, लाहौर वाली. उन्हें क्या बताएं? ये इंडिया में भी ऐसी है. जितने सफेद बाल मेरे सर और दाढ़ी में हैं, उससे कहीं ज्यादा रंगीन मेरी जिंदगी रही है. डायलॉग यार अच्छा लग रहा है वैसे ये दाढ़ी में. एकदम जाने मन थी. पंडित नेहरू का आज निधन. उस वक्त देश की हालत नाजुक थी, एम्प्लॉयमेंट था नहीं और फिर एक दिन हमें पता चला अरब में तेल निकला है जी. तो क्या सर पे लगाएंगे? नाम और उम्र बोलो. भारत. भारत क्या? मेरे बाबूजी ने देश के नाम पर मेरा भी नाम रखा है. अब अगर उसके आगे पीछे मैं कोई सरनेम लगा दूं तो इस नाम का कद और इज्जत दोनों ही छोटे पड़ जाते हैं. भारत जी, इस दफ्तर में चुनाव का नामांकन पत्र नहीं भरा जाता और जिस नौकरी के लिए आप आए हैं उसमें इतनी भारी ज्ञान की जरूरत बिल्कुल नहीं है. आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में. और फिर हमारी जिंदगी में आई मैडम सर. बेसिकली सुनील ग्रोवर चमचे का रोल प्ले कर रहा है. फैमिली वो चमचा दोस्त जो हर सिचुएशन हर जगह साथ होगा. के पीछे एक दर्द छुपा होता है. कुछ रिश्ते खून से होते हैं और कुछ जमीन से. तेरे पास दोनों हैं. जो वादा अपने बाबूजी से किया था उसकी सोचो, उसकी सोचो. और शायद वही दर्द आपको जिंदा रखता है. ओके तो ये दिखा रहे हैं कि ये पाकिस्तान से आया है. लोगों से बनता है और लोगों की पहचान उनके परिवार से होती है. तुझ में पूरा देश है भारत. A journey of a man and nation together. Eid, 5th June 2019. फिल्म तो यार बड़ी एक्साइटिंग लग रही है और बहुत लग रहा है कि बहुत छोटे से पीरियड में बहुत कुछ ज़्यादा दिखाने वाले हैं. लाइक 1947 तो उसकी सारी जर्नी दिखाएंगे. लेकिन मुझे दो तीन बातें समझ में नहीं आई कि पहले वो सर्कस में काम कर रहा होता है, फिर अचानक वो तेल के कुएं में काम करने लग जाता है कुछ साल बाद, फिर वो नेवी में चला जाता है. तो इतनी जल्दी इतनी डेवलपमेंट कैसे हो रही है ये तो मूवी देख के वैसे समझ में आएगी, लेकिन अभी तक तो नहीं समझ में आ रही है. आप लोगों को क्या लग रहा है मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताएं. और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अली अब्बास जफर के साथ ये मेरे ख्याल से तीसरी चौथी फिल्म बना रहा है सलमान खान. लाइक मुझे लग रहा है कि इन दोनों की जोड़ी काफ़ी अब बन रही है. लाइक मुझे लग रहा है कि सलमान खान को ये एज अ डायरेक्टर पसंद है तो इसके साथ फिल्में कर रहे हैं. मेरे ख्याल से टाइगर वाली फिल्म भी इसके साथ ही की थी और एक दो और फिल्में भी इसी के साथ की थी. तो अच्छा मुझे एक और चीज़ आप लोगों से पूछनी है कि ये फिल्म किसी मूवी का रीमेक है या किसी नॉवेल वगैरह पे बनी है, क्या इसकी स्टोरी है वो मुझे नीचे कमेंट में ज़रा बताएं. क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि सलमान खान की 90% ऑफ द फिल्म्स जो हैं वो रीमेक होती हैं किसी ना किसी की. जैसे ट्यूबलाइट जो है वो एक कोरियन फिल्म की रीमेक थी और बहुत सारी जितनी रेडी और ये साउथ इंडियन मूवीज़ की रीमेक होती हैं. आगे आने वाली भी मैं सुन रहा हूँ फिल्म जो हैं वो कोई रीमेक बन रही है.
तो सलमान खान तो मोस्टली रीमेक बना रहे हैं, तो क्या ये फिल्म भी रीमेक है मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे लाइक करके बताएं, और मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस बना के लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।